छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपराध का ग्राफ लॉकडाउन के बाद बढ़ा है। रोजगार ना मिलना इसका मुख्य कारण हो सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान ये बात कही। बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने डीजीपी एसीएस सहित आला अधिकारियों के साथ प्रदेश भर के पुलिस विभाग की बैठक भी ली। इस बैठक में पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। अपराधों पर रोक लगाने और अपराधी के मन में पुलिस का खौफ पैदा करना, रात में 6 बजे से पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा अन्य बहुत से विषयों पर चर्चा की गई। पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शहरों में अपराध बढ़ा है। रोजगार नहीं मिलने से लोग आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि रायपुर में करीब चाकूबाजी से 70 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस विषय पर कहा कि लॉकडाउन के बाद शहरों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मजदूरों की वापसी और ठेले वालों से रोजगार छिन गया है। गांव में हमने मनरेगा के तहत रोजगार दिया है, पर शहरों में रोजगार की कमी के कारण अपराध बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। चर्चा हुई आखिर क्या वजह है कि अपराध के आंकड़े बढ़ गए हैं? देखिए, क्राइम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पुलिस विभाग की जो काम है, हमारा जो काम है, हम लोग अभी उन लोगों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित किए कि जो अपराध करने वाले हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके मन में थोड़ा दहशत आपका रहना चाहिए। तब क्राइम को कम कैसे किया जा सकता है, मूल बात ये जो आप प्रश्न है। तो क्राइम को कम करने के लिए तो बहुत सारी बात है। हमारे पुलिस विभाग का काम तो दौरा करना, उनके मन में क्राइम जो करने वालों के मन में भय हो, ये 2-4 काम है, वो हम करते हैं। बाकी कुछ चीजें जो सामाजिक बुराई की परिधि में आती है तो उनको करना होता है। तो क्राइम बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड हुआ, लॉकडाउन पीरियड में काम धाम बंद हो गया, रोजी रोटी बंद हो गया, बाहर से काफी मजदूर आए, कई बड़े बड़े जगह 1 लाख रुपया हम काम करते थे पैकेज में, यहाँ आके वो बेरोजगार हो गए, 15,000 में किसी काम करना पड़ा। तो बहुत सारी परिस्थितियां कोविड पीरियड में अभी निर्मित हुई हैं और उसका भी कई परिणाम आ रहा है, ऐसा भी हम लोग अभी जो विश्लेषण करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही एक कारण है, लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं कि सारा, जैसे एक दुकान में 6 आदमी काम करते थे, अब लॉकड हो गया, दुकान ही बंद हो गया, तो उस आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो गया। हमारा गुपचुप बेचने वाला था, वो 2-3 महीना उसका ठेला बंद हो गया। सड़क किनारे सब्जी लगा के बेचता था तो वो बंद हो गया। तो लॉकडाउन के कारण कोविड पीरियड में भी काफी हम लोगों ने गांव में जैसे शुरू किया तो मनरेगा शुरू किया तो वहां लेबर को काम मिल गया, वहां लोगों को काम मिल गया, पर शहर में उतना काम नहीं हो सका, वैसा काम चलता भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं क्राइम बढ़ने के, तो उस कारण थोड़ा सा रायपुर में या थोड़ा लगे हुए शहरी अंचल में जो बढ़ा। बाकी जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे सभी जिलों में, एकाध दो जिलों में क्राइम इस 2 महीने में जो बढ़ने की बात आई, बाकी जगह ये नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये मर्डर के केस बढ़े हैं, ऐसा कह रहे हैं? मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के कारण, मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन के कारण मर्डर बढ़ा है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे कोई आदमी एकदम बेरोजगार हो गया, खाने के नहीं मिल रहा है, तो मान लो गुस्सा हो रहा, अब दो दोस्त हैं, दो दोस्त नाश्ता कर रहे हैं, दोनों में विवाद हो गया, चाकू मार दिया, तो इसमें क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधी प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, मैं बहुत सहजता से कह रहा हूँ कि आदमी जो क्राइम कर रहा है, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये आदमी पुलिस विभाग ही विश्लेषण करे ऐसा नहीं है, सभी विश्लेषण करते हैं। तो क्राइम जो बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, क्यों बढ़ा, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, तो हम लोग दुर्घटना को तो रोकने के लिए, जैसे एक्सीडेंटियल कोई चीज होता है तो हम लोग ब्लैक स्पॉट की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर करते हैं, को ना हो इस प्रकार से। पर क्राइम बढ़ने का कारण क्या है, ये तो सब चीज, कैसी उसके सामने परिस्थितियां बनी होंगी, क्यों वो किया होगा,
ये तो वही आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है। समीक्षा में कमी की बात किया ये कि स्टाफ की हमले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.